भी वैसे यात्राएं इतनी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये वाली जो यात्रा है इसका टाइमिंग उन्होंने सही नहीं चुना, लेकिन जो सियासी तपस्या वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिले, उसके लिए एक आप उनको क्या गुरु मंत्र देना चाहते मैं हैं? कौन हूँ उनको गुरु मंत्र देने वाला, वो बहुत बड़े आदमी हैं और ये लोग ऐसे नहीं हैं जो कि आप सलाह दीजिए और वो आप मान लें नहीं मानना, अगर बुलाएंगे तब तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब बिन मांगी सलाह किसी को देनी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्हाट ही लैक्स इज द परसिस्टेंस परसिवरेंस दैट इज नीडेड टू क्लोज थिंग्स। ही आई हैव ऑब्जर्व ओवर लास्ट 15 years ऑफ हिज पोलिटिकल जर्नी एज ए स्टूडेंट। हिंदी हाँ, मैं जो मैंने उनके 10-15 साल की राजनीतिक यात्रा को जो मैंने बाहर से थोड़ा करीब से भी देखा, जानना समझने का कोशिश करा, जो एक कमी मैं पाता हूं कि वो चीजों को क्लोज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू, आज की यात्रा वगैरह छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उनकी तूती बोलती थी, वही देश के बड़े भविष्य बताए जाते थे, तब उन्होंने एनएससीवाई आईवाईसी में एक प्रयोग शुरू किया एज ए जनरल सेक्रेटरी एनएससीवाई आईवाईसी कि हमारे ये आईवाईसी और एनएससीवाई में इलेक्शन से चुनाव होगा, इलेक्शन से नए लीडरशिप पैदा की जाएगी। उसका शुरुआती विरोध हुआ, लेकिन राहुल जी ने बड़े उत्साह से पूरा उसमें समय लगाकर उसको शुरू किया। शुरुआती सफलता पंजाब और उत्तराखंड में उसको मिली, लेकिन जब लोगों ने उसको देख लिया कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, तो जो सीनियर लीडरशिप थी या जो चीज जो उससे पहले से बेनिफिट पा रहे थे, उन्होंने उस सिस्टम को गेम कर दिया। तो राहुल गांधी जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो उस रेजिस्टेंस को या जो उसमें डिस्टॉर्शन आया था उसको और करेक्ट करने के लिए और उस पर लगे रहते, या अगर मान लीजिए कि नए सिस्टम से उनका विश्वास उठ रहा था तो पुराने सिस्टम में जाते जिसमें नॉमिनेशन वाली बात थी। हुआ क्या, ना वो नए सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया ना पुराने पर वापस गए। नतीजा क्या हुआ, एनएससीवाई आईवाईसी कंप्लीटली बर्बाद हो गई 10 साल में। आपके पास जो पुराना सिस्टम था उसको आपने छोड़ दिया, नया एक्सपेरिमेंट किया, आधा एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया। और इस तरह मैं आपको बीसियों ऐसी घटना बता सकता हूं जहां पर राहुल गांधी ने बड़े उत्साह से कोई काम शुरू किया, शुरुआती दिनों में उसको बैक किया, कम वॉट में वी विल डू दिस, और फिर जैसे ही रेजिस्टेंस आया, जैसे ही सेटबैक लगा, जैसे ही परेशानी आई, तो या तो फिर मुश्किल का सामना नहीं कर पाते। नहीं, मुश्किल का सामना करने की बात नहीं, सामना तो कर रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है तो छोड़ के भाग जाते, मतलब उस पर निर्णय अनिर्णय की स्थिति हो जाना, मैदान छोड़कर भागे नहीं है, अनिर्णय की स्थिति कि भाई मुझे इलेक्शन वाले फॉर्म में जाना है या पुराने फॉर्म में जाना है, ये निर्णय ले लो। अगर ये निर्णय ले लोगे तो सही या गलत कुछ फायदा होगा, अगर आप अनिर्णय में रहेंगे तो दोनों का ही नुकसान, दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। और ये उनके पूरी राजनीतिक यात्रा का मैंने पैटर्न देखा है। भाई प्रशांत किशोर को ले आओ, अब प्रशांत किशोर की जो पूरी योजना है उसको आपने समझ लिया, और समझने के बाद आपने यूपी में शुरुआत की, जैसे ही थोड़ी सफलता मिली, जो समाजवादी पार्टी आपको 10-20 सीट नहीं दे रही थी उसने 110 दिया, अब तुरंत प्रशांत किशोर के प्लान को छोड़ के वो अलायंस वाला प्लान अपना लिया। नतीजा क्या हुआ कि जो आपने शुरुआत की थी 27 साल यूपी बेहाल, उसी सपा से जाके आपने अलायंस कर लिया, तो ना माया मिली ना राम, दोनों ओर से मारे गए। तो वो जो डिसाइसिवनेस है, एक डिसीजन लेना और डिसीजन पर टिके रहना, वो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक उस चीज को वो नहीं एड्रेस करेंगे तब तक कोई भी सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली नहीं है। तो फैसला ना लेने की क्षमता राहुल गांधी की आप कह रहे हैं सबसे बड़ी कमजोरी? नहीं, फैसला न लेना मैं नहीं कर, फैसला लेना और फिर उस पर टिके ना रहना, फैसले पर टिके रहना और डू वॉट एवर इट टेक्स टू एग्जीक्यूट इट। आपने निर्णय लिया, निर्णय लेने में तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं, ये तो दिक्कत है, तुरंत निर्णय ले लिया यात्रा करनी है। अच्छा, लेकिन नहीं लगाते हैं फैसला लेने में, फैसला लेने में ये तो यही तो दिक्कत है। अगर आप समय लगाकर निर्णय नहीं लोगे तो आपने निर्णय ले लिया तुरंत, हाँ भाई प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तुरंत करते हैं। लेकिन मेरा अपना यूपी का, क्यों मैं 10 दिन बैठने के बाद भी मैंने उनके ऑफर को, कांग्रेस के ऑफर को क्यों मना किया, इसलिए मना किया कि मेरा यूपी में अनुभव ये रहा था कि जब आप उनको चीजें बताते हैं कांग्रेस की लीडरशिप को कि ये 10 चीजें करनी है, वो तुरंत एग्री कर जाएंगे 10 के 10 बात। लोगों को लगता है कि लोग एग्री नहीं कर रहे, वो 10 के 10 बात एग्री कर जाते हैं। मेरी समस्या है कि बहुत जल्दी एग्री कर जाते हैं, 10 चीज पे एग्री कर गए, इसका मतलब उन्होंने पूरी उसकी नुएंसेस को समझा ही नहीं कि इस 10 चीज को करने में कितनी ताकत, कितनी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। नतीजा ये होता है कि जब आप 10 चीज को करने जाएंगे और 4 चीज में जैसे ही अटकेंगे तो फिर आप उसको मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, और भागेंगे मतलब अब उसको छोड़ दिया, बीच में ही लटका दिया, लटका दिया, तो अब आप ना पीछे जा रहे ना आगे जा रहे, ये मुसीबत। तो फिर
अब कांग्रेस तो राहुल गांधी के हाथों में, तो 14 की तरह और ज्यादा डेसिमेट होते हुए हम देखेंगे 24 में कांग्रेस को, या 19 में जो हल्का सा ग्राफ बढ़ा था 14 के बाद, उस दिशा में आपको नहीं 19 में ग्राफ बढ़ा कहाँ था भाई? आप लोग देखिए, जो कांग्रेस को सीटें 19 में आई थी वो केरल से आई, तमिलनाडु से आई और पंजाब से आई। ये तीन राज्य हैं, 9 सीट तमिलनाडु से, 18 केरल से और 7 पंजाब से। तो दो तिहाई, करीब करीब दो तिहाई कांग्रेस के जो एमपी आज हैं वो तीन राज्यों से आते हैं। ये कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां कांग्रेस ने बीजेपी से लड़के उनको हराया हो। केरल में आप लेफ्ट को हराए, तमिलनाडु में आप एआईएडीएम को हराए और वो भी डीएम के अलायंस में, और पंजाब में आपने अकालियों को हराया। जब तक कांग्रेस बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबले में उनको नहीं हराएगी, और वो करीब करीब 250 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, जब तक कांग्रेस उसमें कम से कम एक तिहाई सीट ना जीते, मतलब लोग कहते हैं भी रिवाइवल का प्लान क्या है, रिवाइवल का ये प्लान है कि आप विपक्ष को मजबूत बनना है, जीतना हारना छोड़ो, कम से कम ये कोशिश करो कि 30% का स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी के अगेंस्ट हो, 25% का स्ट्राइक रेट हो। अभी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी के अगेंस्ट 14 और 19 दोनों में सिंगल डिजिट में है। अगर वो 10 सीट लड़ते हैं तो उसमें एक या दो जीतते हैं। जिस दिन वो 10 में 3 या 4 जीतने लगेंगे, अपने आप आपको रिवाइवल दिखेगा। और वो बीजेपी के अगेंस्ट की बात है, आप तेलंगाना में जीत जाइएगा उससे कोई फायदा नहीं है, उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो परसेप्शन है, जो राजनीतिक डिस्कोर्स है, वो नहीं बदलेगा जब तक कि आप बीजेपी को गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, यूपी में, इन राज्यों वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में जो करीब 300 सीटें हैं, इन 300 सीटों में जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, एनसीपी, ये जो चार दल हैं, ये मेन लोग हैं, 2014 के बाद इन सभी दलों की, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, आरजेडी के पिछली बार 0 सांसद आए, सपा के 14 में 5 थे, 19 में भी 5 हैं, यही हाल कमोबेश एनसीपी का है। तो जब तक कांग्रेस प्लस ये तीन पार्टियों का स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 20-25% नहीं होगा, तब तक आपको ऑपोजिशन का रिवाइवल नहीं दिखेगा।